हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। इनका नाम था अबिंद्रनाथ टैगोर। ये अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके नेफ्यू थे। तो अब इन पर्सनालिटी के जिक्र जो है वो न्यूज़ में क्यों आया? देखिए, पिछले साल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि अबिंद्रनाथ टैगोर जी के 150 वर्ष पूरे होने पर इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक ईयर लॉन्ग जो है वो उनका डिक्लेयर किया था। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है वो आपकी सेलिब्रेशंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो करवाई गई थी। और बंगाल गवर्नमेंट ने भी जो है वो इनके बर्थ की जो सेलिब्रेशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट करने का बोला था यहाँ पे। तो अब इनके बारे में जो है वो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको, इन्होंने इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रही होंगे, इनका जन्म जो है वो 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 दिसंबर 1951 में हुई थी। तो तकरीबन तकरीबन जो है वो 80 साल का इनका जो है वो जीवन काल रहा था। और इनका जन्म जो है वो बंगाल में ही हुआ था, जो ब्रिटिश टाइम का जो है वो बंगाल था, अनडिवाइडेड बंगाल था जो। तो अब इनके थोड़े कंट्रीब्यूशन, इनकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या क्या इन्होंने जो है वो पेंटिंग में जो है वो कंट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे मेन इनके बारे में जो चीज जानने लायक है, ये जो है वो एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने पेंटिंग के जो फील्ड है उसमें जो है वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो पेंटिंग के पर्सपेक्टिव में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो काम किए गए हैं। तो इन्होंने जो है वो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इन्होंने अपनी यूरोपियन ट्रेडिशन में जो है वो स्टार्ट की थी अपनी आर्टिस्ट के फील्ड में। लेकिन उन्होंने जो है वो इनका वहां से मन भर गया या इनको जो है वो पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने जो है वो उस वेस्टर्न ट्रेडिशन को छोड़ के इन्होंने एक अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें जो है वो इन्होंने अपनी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तो उसके बाद ही जो है वो इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स थी उसको जो है वो अपने इंडियन ट्रेडिशन में जो है वो उनको बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये माना जाता है कि जो उनकी जो पेंटिंग्स हैं या जो इनकी पेंटिंग्स देखी गई हैं कि वो मुगल टाइम के टाइम के हिसाब से जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी। तो जब ये इनकी पेंटिंग इंस्पायर्ड थी उस टाइम के हिसाब से, तो ये बात तो जायज है कि इन्होंने कुछ पेंटिंग्स जो है वो बनाई होंगी। तो उन पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और वो पेंटिंग्स की पिक्चर्स भी हैं जो वो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने जो है वो कौन कौन सी पेंटिंग्स जो है वो मुगल टाइम के इंस्पायर होके जो है वो बनाई हैं। और ये भी माना जाता है कि एक जापानीज फिलोसोफर थे जिनका नाम था काकुजो। ये जब भारत आए थे, ये पर्टिकुलर की जब कोलकाता गए थे 1902 में, तो इन्होंने जो है वो इनकी फिलॉसफी का, इनके कुछ वर्क्स का जो है वो अबिंद्रनाथ टैगोर जी पे जो है वो काफ़ी प्रभाव रहा। और तब जाके इन्होंने जो है वो उनके थोड़े माइंडसेट को भी जो है वो अपनी पेंटिंग्स में ढालना शुरू किया। तो ये कुछ जो था वो ब्रीफ बैकग्राउंड था अबिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अब थोड़ी इनकी देखते हैं कि इन्होंने आर्टिस्टिक फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे, पर्टिकुलरली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, और आर्टिस्टिक फील्ड को कैसे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो यूज किया था। देखिए, अबिंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो एक एक जो एमिनेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं आपके आर्टिस्टिक फील्ड में। और जब 19th सेंचुरी जो डिकेड था उस टाइम पे अबिंद्रनाथ टैगोर जी का जो है वो काफी दबदबा था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे आर्टिस्टिक थे जिन्होंने जो है वो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो वो राजपूत स्टाइल हो गया या मुगल स्टाइल हो गया,
उसको जो है वो मॉडर्नाइज करने में और उसको मॉडर्न तरीके में ढालने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और उस मॉडर्न तरीके को इन्होंने ऐसे ढाला कि उससे जो है वो आपका वेस्टर्न जो मॉडल्स में जो आर्टिस्टिक जो कॉलोनियल रिजीम था उसको जो है वो आसानी से जो है वो इन्होंने काउंटर किया था अपने मॉडर्नाइज तरीके से, जो इनकी मॉडर्नाइज आर्टिस्टिक इनका प्रैक्टिसेस थी। इनकी जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनके जो आर्टिस्टिक वर्क्स थे वो इंडियन माइथोलॉजिकल और इंडियन कल्चर हेरिटेज पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं उनसे। और इनका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है जो इनका, वो स्वदेशी थीम्स पे रहा है। मतलब कि आप मान लीजिए उन्होंने अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को जो है वो अपनी वो वर्क्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्शाया हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें थी। अब एक आइकॉनिक पेंटिंग के बारे में कहा जाता है, इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे आइकॉनिक पेंटिंग है इनकी, आपकी भारत माता की पेंटिंग है। देखिए, जब क्या कहा जाता है कि जब भारत भारत ने जब 1905 को जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, तो क्या हुआ था, उस स्वदेशी उसको फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए भारत माता की पेंटिंग को जो है वो बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इनकी कुछ और भी पेंटिंग्स हैं तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इनकी सबसे पहली एक पेंटिंग है पासिंग ऑफ शाहजहां, इन्होंने ये बनाई थी 1900 के करीब करीब। इनकी एक पेंटिंग है माई मदर, तो 1912 और 13 के तकरीब पास पास बनाई थी। और बाकी इनकी ये कुछ पेंटिंग्स हैं, इन्होंने जो है वो ये बनाई थी। ये डेट्स आप यहाँ पे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। सबसे आइकॉनिक पेंटिंग जो आपकी मानी जाती है वो भारत माता पेंटिंग है। यहाँ से जो है वो भारत माता को एक फीमेल के तौर पे जो है वो देखा गया। तो इनका ही एक, अगर आप माने कि जो मॉडर्न इंडिया में भारत माता को जो माँ के तरीके से देखा जाता है, तो वो इनकी ही कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। अब ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये आपकी बंगाल स्कूल में आती हैं। तो बंगाल स्कूल में आर्टिस्टिक जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये आपका एक रेनेसा स्कूल माना जाता है। इसमें ये माना जाता है कि ये एक रिवाइवलिस्ट स्कूल था जिसने जो है वो फर्स्ट मॉडर्न मूवमेंट्स को जो है वो इंडियन आर्ट की फॉर्म में जो है वो बताया और ग्लोरियस जो था वो रीडिस्कवर किया इंडिया की ग्लोरी को अपने आर्ट फॉर्म में। और इसके जो लीडिंग आर्टिस्ट जो माने जाते हैं वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। और आपके एक थ्योरेटिशियन है आपके ई बी हैवल, ये थे उस टाइम के कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट था उसके प्रिंसिपल थे। तो ये दो पर्सनैलिटीज हैं ये बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो ये कुछ जो थी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और एक आपकी जो आइकॉनिक पेंटिंग है ये आपकी भारत माता पेंटिंग। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।